पीएम मोदी कोरोना पर आज सुबह 9 बजे जारी करेंगे वीडियो संदेश। 14 अप्रैल तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की अपील कर सकते हैं। कोरोना पर पीएम मोदी का चौथी बार होगा संदेश। 24 मार्च को लॉकडाउन को किया था ऐलान। पीएम मोदी कोरोना के मुद्दे पर मुख्यमंत्रियों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सभी राज्यों के सभी संप्रदाय के धर्मगुरुओं के साथ बैठक करने को कहा। मोदी ने राज्यों से धर्मगुरुओं से अपील करने को कहा। धर्मगुरु अपने समर्थकों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में साथ लेकर आए। राष्ट्रपति भी आज सुबह 8 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के गवर्नर, केंद्र शासित प्रदेशों के एलजी के साथ करेंगे चर्चा। उपराष्ट्रपति भी होंगे साथ। गाजियाबाद के जिला अस्पताल में क्वारंटीन किए गए जमात के सदस्यों की शर्मनाक हरकत। नर्सों की तरफ की अश्लील हरकत। बिन कपड़े अस्पताल में घूमे। गाजियाबाद के सीएमओ की तरफ से अश्लील हरकत की शिकायत मिलने के बाद हरकत में आए प्रशासन। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। केस दर्ज करने के बाद गाजियाबाद प्रशासन ने जमात के 6 आरोपियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया। एक संस्थान में क्वारंटीन किया गया। अलीगढ़ में लॉकडाउन के बावजूद मस्जिद में पढ़ी गई नमाज रोकने गई पुलिस टीम पर हुआ पथराव। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। नोएडा में लॉकडाउन के बावजूद छत पर एक साथ नमाज पढ़ने की तस्वीर वायरल हुई। तस्वीर सामने आने पर कार्रवाई। 10 लोग गिरफ्तार। यूपी के रामपुर में लॉकडाउन लागू करा रही पुलिस टीम पर हुआ हमला। मियांवाली मस्जिद के पास छत से फेंके गए पत्थर। एमपी के इंदौर में मेडिकल टीम पर हमला करने वालों पर शिकंजा। 7 लोग गिरफ्तार। 4 पर एनएसए के तहत कार्रवाई। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की चेतावनी के बाद हुई कार्रवाई। शिवराज ने कहा था बदसलूकी करने वालों पर लगेगा एनएसए। 4 आरोपियों को रीवा जेल भेजा गया। बुधवार को टाटपट्टी बाखल इलाके में कोरोना की स्क्रीनिंग करने गई मेडिकल टीम पर किया गया था पथराव। इंदौर के टाटपट्टी बाखल में फिर गई मेडिकल टीम। कोरोना पीड़ित के संपर्क में आए लोगों का लिया सैंपल। हमले के बावजूद इंदौर में दोबारा स्क्रीनिंग करने गई डॉक्टर जाकिया सईद। काम सभी की मदद के लिए आए थे, अपने लिए नहीं। मशहूर शहर राहत इंदौरी ने कहा मेडिकल टीम पर हमले से शर्मसार। जांच करने आई टीम पर पथराव गलत। अजमेर दरगाह में बड़ी लापरवाही। कोरोना गाइडलाइंस के बावजूद दरगाह में 100 से ज्यादा लोग पहुंचे। 6 लोग गिरफ्तार। जयपुर में कोरोना के संदिग्धों की तलाश करने पहुंची डॉक्टर्स की टीम के साथ हुई मारपीट। एक डॉक्टर का फटा सर। आरोपी गिरफ्तार। बेंगलुरु में आशा वर्कर्स के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। 53 के खिलाफ एफआईआर। बिहार के मुंगेर में संदिग्ध कोरोना मरीज को लाने गए पुलिस और मेडिकल टीम पर पथराव। कई गाड़ियों के शीशे टूटे। मुंगेर के कासिम बाजार की घटना। पुलिस की सख्ती के बाद अस्पताल लाया गया कोरोना संदिग्ध को। लॉकडाउन के उल्लंघन पर हो सकते हैं 2 साल तक की जेल। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से सख्ती बरतने को कहा। लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरु फिरंगी महली ने जारी किया फतवा। संदिग्धों से कोरोना का टेस्ट कराने को कहा। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 2000 के पार पहुंची। 235 नए मामले सामने आए। कुल 53 लोगों की मौत। दिल्ली में 300 के करीब पहुंचा कोरोना का केस। 141 नए मामले सामने आए। कुल आंकड़ा 293 तक पहुंचा। दिल्ली में तबलीगी जमात में शामिल 182 लोगों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव। राजधानी में 2 और कोरोना पीड़ित की मौत। दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात के चीफ मौलाना साद समेत 7 लोगों को नोटिस भेजा। लॉकडाउन के बावजूद धार्मिक जमावड़े के आरोप में मांगा जवाब। एम्स के डॉक्टर के साथ 9 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी भी कोरोना की चपेट में। दोनों आइसोलेशन में रखे गए। दिल्ली के साकेत में सीआरपीएफ के एक चीफ मेडिकल ऑफिसर कोरोना पॉजिटिव आइसोलेशन में भेजे गए। महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ बढ़ना जारी। पिछले 24 घंटे में सामने आए 88 नए मामले। कुल आंकड़ा पहुंचा 423 तक। महाराष्ट्र में कोरोना के एक और मरीज ने तोड़ा दम। राज्य में अब तक 21 लोग। नहीं दी जा सकती। तेलंगाना में कोरोना के केस बढ़ने जा रहे आए 27 मध्य प्रदेश में तबीयत से जुड़े 4 लोग। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या के भीलवाड़ा में भारतीय पुलिस तक लोगों में रहने के लिए अपील की। हिमाचल सूरत के रामेर में 54,000 लोगों को क्वारंटीन में आयन करने वाले एक बुजुर्ग में पाया गया कोरोना पॉजिटिव। गुजरात के वडोदरा एसएसबी अस्पताल में 52 साल के कोरोना की मौत। श्रीलंका से आज कोरोना का दूसरा केस कोरोना की चपेट में आए लोगों की संख्या के पार अब तक 50 से ज्यादा मौत।
अमेरिका में एक दिन के सबसे ज्यादा 11 मामला सामने आए, भूत जारी है, 5,100 लोगों की जान। अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोरोना से लड़ने के लिए बेहतर उपकरण की मांग। अमेरिका के कैलिफोर्निया में नर्सों ने भी बुलंद की आवाज प्रोटेक्शन किट मुहैया कराने की मांग। अमेरिका के डिट्रॉइट में अमेज़न के कर्मचारियों ने भी जताया विरोध, सरकार से ज्यादा सुविधा की मांग। अमेरिका के लॉस एंजलिस में ट्रेन ड्राइवर ने जान बुझ कर गिरे नेवी के अंकल को निशाना बनाने की कोशिश। इटली में कोरोना कहर एक दिन में फिर 7 लोगों की मौत, मृतकों का आंकड़ा 6,900। फ्रांस में कोरोना से 471 लोगों की मौत, जानलेवा वायरस अब तक 45 से ज्यादा लोगों को शिकार करा। चीन में कोरोना के पार एक रात में 900 लोगों की मौत से कम। तेलुगु ने घर के बाहर खड़े होकर बजाई ताली, स्वास्थ्य कर्मियों को शुक्रिया कहा। कोरोना के खिलाफ किया गया हॉस्पिटल तैयार 1,800। चीन में कोरोना की एंट्री, कोरोना की मार झेल रहे राज्य में 35 नए केस सामने आए, 6 लोगों की मौत। पाकिस्तान के केस 24 को पार, सीएम इमरान को हालात से निपटने स्पीकर कोरोना पॉजिटिव पाए गए, क्वारंटीन किए गए। कोरोना के वजह से मेक्सिको में लॉकडाउन बचा के बंद किए गए मॉल, मार्केट और दूसरी स्वास्थ्य। फ्रांसिस ने लोगों से कोरोना पीड़ितों के प्रार्थना करने की अपील की, इटली में कोरोना संकट पर थोक ने चिंता जताई। देश भर के 16,000 को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किया गया, प्रत्येक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जानकारी दी। दिल्ली में तब्दीली जमात के मरकज में दुनिया भर से 13 लोग हुए शामिल, आरोपी की पहचान कर उन्हें क्वारंटीन किया गया। देश भर में तब्दीली जमात से जुड़े 9,000 लोग क्वारंटीन में भेजे गए, 8,000 लोगों को दिल्ली में क्वारंटीन टूरिस्ट वीजा पर धार्मिक कार्य करने वाले 960 विदेशी ब्लैक लिस्ट में सरकार ने इंडियन वीजा रख दिया। कोरोना के कारण राजस्थान गहलोत सरकार का फैसला, 2 महीना नहीं खोला जाएगा बिजली पानी का बिल, उद्योगों को दी राहत। दिन में 6 लाख लोगों को राशन, भोजन, रिक्शा, ग्रामीण सेवा और ई रिक्शा चालकों को 5,000 रूपए। सेंटर के लिए पुलिस सुरक्षा मांगी, स्वास्थ्य सचिव ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी। खुद पुलिस प्रशासन दिल्ली में तबलीगी जमात शामिल हुए की खोज में जुटी, कई लोग पुलिस ने आइसोलेशन रखा। यूपी के श्रावस्ती में 9 मौलवियों पर मुकदमा, जमात के लौटने के बाद मदद से छुपने का आरोप। बिहार के सुपौल में मरकज में 14 मौलवियों को पुलिस ने क्वारंटीन किया, सभी तबलीगी जमात से जुड़े। बिहार में हर पंडाल स्कूलों को क्वारंटीन सेंटर बनाने का निर्देश, दूसरे शहरों से 14 दिन क्वारंटीन में रहेंगे डिप्टी सीएम सुशील मोदी का बयान। एग्रीकल्चर कानून से छूट पर सरकार की सफाई, नरेंद्र तोमर ने कहा देश कृषि प्रधान, खेती रोक मुमकिन नहीं। कोरोना से जल्द जुटे मेडिकल स्टाफ ने 1.5 करोड़ छूट का ऑर्डर, स्वास्थ्य मंत्रालय के खिलाफ। कोरोना पेशेंट के इलाज में जुटे मेडिकल स्टाफ के लिए रोजाना 7,000 पीपीई तैयार कर रहा है आरडीओ, प्रोडक्शन को दोगुना करने के निर्देश। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना में मोदी सरकार के एक्शन की तारीफ, को जरूरी कदम बताया। इंडियन एयरफोर्स के जरिए मामलों को दवाइयां और जरूरी चीजों की डिलीवरी की गई, मालदीव के रक्षा मंत्री ने शुक्रिया कहा। पश्चिम बंगाल के नदिया में एक बुजुर्ग ने खुद नाव पर लिया क्वारंटीन, बुखार होने की वजह से ग्रामीणों ने गांव में नहीं घुसने दिया था। मुंबई के डोंबिवली में पुलिस सब्जी विक्रेताओं को बांटे छाते, लोगों को एक दूसरे से दूर रखने के लिए खुले मैदान किया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में संसद पर बोली सोनिया गांधी, कहा लॉकडाउन जरूरी, जल्दबाजी में हुआ लागू। अमित शाह ने कांग्रेस कोरोना संकट में गंदी राजनीति का आरोप लगाया, कहा पूरी दुनिया ने पीएम मोदी की कोशिश को सराहा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी सोनिया के बयान छूट करा दिया। लॉकडाउन पर सोनिया के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा जावड़ेकर ने मुसीबत के समय सियासत नहीं हेल्प की जरूरत। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अज्ञात बंदूकधारियों ने युवक की हत्या की, पिछले एक हफ्ते में दक्षिण कश्मीर में 5वीं हत्या। लॉकडाउन के बीच जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आर्मी ने प्रेग्नेंट लेडी को किया अस्पताल पहुंचाया। पाकिस्तान की अदालत ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डैनियल पर्ल के हत्यारों की फांसी की सजा को 7 साल की कैद में तब्दील किया, अमेरिका ने जताया विरोध। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की मदद करेगा वर्ल्ड बैंक, $1 अरब के इमरजेंसी फंड को मंजूरी। अमेरिका में कोरोना के कारण रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बेरोजगारी, अब तक 65.5 लाख से ज्यादा लोगों ने बेरोजगारी भत्ते के लिए किया आवेदन। ने इंस्टाग्राम लाइव में केविन पीटरसन से अपनी कई बातें साझा की, कहा टेस्ट क्रिकेट खेलकर बेहतर इंसान। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने स्वास्थ्य की घड़ी में लोगों से एकजुटता दिखाने की अपील की, कोरोना को चुनौती बताया। कोरोना के खिलाफ जंग में शाहरुख खान उतरे, अपनी कंपनियों और एनजीओ की ओर से पहुंचाई जाने वाली मदद और डोनेशन का ऐलान किया। अमिताभ बच्चन ने फिर कोरोना के खिलाफ अपील की, कहा कोरोना को उल्टा पड़ा हो जाएगा ना रुको।